सोमवार को राजधानी पटना के स्लम और गरीब बस्तियों के बच्चों के लिए अनफोल्ड यू डिजिटल एजुकेशन एकेडमी का उद्घाटन किया गया। हाशिए पर खड़े बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान का उद्घाटन खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। पटना के कंकड़बाग इलाके में स्लम और गरीब बस्तियों के बच्चे अब इस शिक्षण संस्थान के जरिए निःशुल्क शिक्षा पा सकेंगे। डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान कर इन बच्चों में तकनीक कुशलता को भी सुदृढ़ किया जाएगा। मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गरीबी की वजह से जो बच्चे इस तरह की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए इस एकेडमी ने काफी अच्छा अवसर लाया है। अब वो भी इस संस्था के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड यू परियोजना बिहार में श्री सौरभ कुमार और उसकी पूरी टीम ने पहली बार आज शुभारंभ किया है, जिसमें जो समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं जो इस तरह के शिक्षण और पठन पाठन जो डिजिटल माध्यम से किया जाता है वो ही शामिल हो पाते हैं, गरीबी के कारण या पिछड़ापन के कारण। उसके लिए श्री सौरभ कुमार उसकी पूरी टीम ने आज ये अनफोल्ड यू डिजिटल एजुकेशन एकेडमी का शुभारंभ किया। और सबसे अच्छी बात है कि समाज के कमजोर वर्गों को इसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा या उनको उन्हें पढ़ाई जाएगी, जिससे कि ये समाज के जो अन्य बच्चे जो अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी बराबरी में वो आ सकें। और हम अपनी शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चे शामिल हों, यही हमारी शुभकामना। सर, ये गरीब बच्चे के लिए जो सुविधा उपलब्ध है, क्या गरीब बच्चे के पास ऑनलाइन ये एंड्रॉइड फ़ोन कहाँ से आएगा सर गरीब बच्चों के लिए? देखिए, ये एक प्रयास है, धीरे धीरे हम सब भी सरकार की ओर से इन सारी चीज़ों को करेंगे। आपने देखा होगा कि एक स्मार्ट क्लासेस करके हम सबों ने प्रारंभ किया था उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो धीरे धीरे इन ये सारी चीज़ें भी समाज के इस तबके के बच्चों के लिए या सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में हम सब पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।